आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी दिन सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत परमानंदपुर पंचायत के पिपराही नाग गांव में प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिक सहित कुल 11 देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसको लेकर परमानंदपुर पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से हम लोग इंतजार में थे कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा तो उसी समय हम लोग भी अपने मंदिर का निर्माण करेंगे और मूर्तियों की स्थापना करेंगे। हरेक गांव में मंदिर बहुत ढंग से बन गया है और हमारे गांव में एक मंदिर को शुरुआत किए उसमें भी कुछ गार्जियन टाइप का लोग सब जैसे तैसे करके खड़ा किया था, लेकिन वह पूर्ण नहीं कर पाया। तो युवक सब जैसे फिर बैठक करके विचार किया तो गार्जियन भी सब सहमति में आ गया कि नहीं ये मंदिर बनना चाहिए। तो मंदिर का कार्य शुरू किया गया। शुरू करने के बाद छत ढलिया हुआ, फिर जो है कुछ दिन मंदिर जो है वैसे स्थगित रह गया। तो इस बीच में जब अयोध्या में कार्यक्रम जब शुरू किया गया तो यहाँ भी फिर युवक सब बैठ करके अपना निर्णय लिया कि जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का काम किया जाएगा उसी दिन हम लोग भी यहाँ करेंगे। तो यहाँ सामूहिक बैठक किया गया, उसी में सब आदमी अपना अपना निर्णय दिया, कुछ वचन दान भी दिया उस दिन, उसमें हम भी थे। तो हमको भी बहुत खुशी हुई इसमें जो परमानंदपुर पंचायत के अंतर्गत मंदिर एक बड़ा नहीं बना हुआ है, तो इसमें हम भी सोचे अपना भी जोर शोर लगा करके जो ये मंदिर का काज पूर्ण करा करके मूर्ति राम दरबार और शिव दरबार बजरंगबली का स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को दिला करके एक महायज्ञ का रूप में जो है संचालित किया जाए।